हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल। सो कल घूमने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, रात में पार्टी शार्टी करी थी और अब हम लोग जा रहे हैं हाथी मार्केट। हाथी मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी बहुत ही कम सस्ते में चीज़ें मिल जाती हैं, तो हम सब लोग जा रहे हैं। देख लीजिए, सब के सब रेडी हैं यहाँ पर और अब हमारे चेकआउट का टाइम है। तो हमने सोचा कि जब तक हमारी ट्रेन का टाइम नहीं होता, हमारी ट्रेन का टाइम है 6:30 बजे, तो ऋषि भी फुल गेटअप में रेडी है और अब हम लोग जाएंगे। दोनों भाई वाइट वाइट भी है। हाँ, हम लोगों ने सेम बनना है, बस इसका कुछ ज़्यादा वाइट है, मेरा लाइट ब्लू है। तो हमारी ट्रेन का टाइमिंग है 6:30 बजे, जो कि हमें उदयपुर रेलवे स्टेशन से मिलेगी। तो अभी हम चेकआउट करेंगे और चेकआउट करने के बाद यहाँ से ऑटो लेके हम हाथी मार्केट जाएंगे और वहाँ जाके जो जो चीज़ें इन लोगों को चाहिए वो सब ये लोग लेंगे। सो ये लोग भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं पीछे वाले, सो व्लॉग में हाय बोल दो। तो चलते हैं और चेकआउट करते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। लोगों ने फोटोग्राफी का रिकॉर्ड तोड़ रखा है, लगा लेते अपने अपने हमारे में। तो अब हम लोग घर जा रहे हैं, तो तेरे को कैसा लग रहा है? क्यों बढ़िया ट्रिप मार, तू घर जा रहा है, तेरे को कैसा लग रहा है? बहुत बेकार लग रहा है, मैं तो कह रहा हूँ एक दिन और रुकते हैं। तू घर जाए, तेरे को कैसा लग रहा है? यार अच्छा नहीं लग रहा यार, इतने बस दो दिन के लिए यार, और रुकना चाहिए यार। और कोई एडवाइस आपकी? मेरी ले लो एक एडवाइस। बोल। चल अपना एडवाइस दे। मैं कह रहा हूँ एक दिन और रुकते हैं सबके साथ, मतलब मजा आया ही नहीं, मतलब एक दिन में पता ही नहीं चला कैसे निकल गया। यहाँ पे ऋषि का गड्ढा है चूतिया, रात इसको फीवर आ गया था तो इसने ना मैगी ऑर्डर करी थी। मैगी ऑर्डर करी तो भाई साहब ने प्लेन मैगी मंगाई थी। प्लेन मैगी का प्राइस पता है कितना? 336 रुपए। मतलब 10 रुपए की मैगी मेरे भाई को 336 रुपए की पड़ी है। तो लौंडे को दोबारा से फीवर आ गया है। फाइनली हम लोग रजवाड़ा वाइट्स रेस्टोरेंट पहुँच चुके हैं और सब लोग अंदर गए हैं और मैं भी अंदर जा रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, फेमस है यहाँ का, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। फेमस डिश है वो दी है और लेमन चिकन दिया है ऑर्डर पे और एक डिश और है, तो देखते हैं क्या होता है। और रोटी वोटी जो भी है वो सब चीज़ ऑर्डर कर दी है, तो 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है और जैसे ही आता है मैं दिखा दूँ। खा लिया था और हम लोग काफ़ी थक गए थे, तो अब हम आए हैं सहेलियों की बाड़ी देखने। तो हम लोग अब अंदर जाएंगे और यहाँ पे गाइड्स वगैरह भी, अगर आप लोग कभी आओगे तो जिसको नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे आपको गाइड्स मिल जाएंगे देखने के लिए बाहर ही, तो आप अपने लिए गाइड्स भी कर सकते हो। हमारे साथ तो हमारा दोस्त हेमंत है, तो वो यहाँ पर आया हुआ है, तो उसे हर एक चीज़ की नॉलेज है, तो वो हमें अंदर घुमा देगा बहुत आराम से। तो गाइस 6:30 बजे की हमारी ट्रेन है, तो यहाँ से होने के बाद हम बैक टू अपने होटल जाएंगे, वहाँ से अपना सामान उठाएंगे और फिर हम जाएंगे अपना सीधा उदयपुर रेलवे स्टेशन। तो चलिए चलते हैं और आगे देख दिखाता हूँ मैं आप सबको सहेलियों की बाड़ी। तो बनते हैं सिनेमैटिक शॉट्स। लोग आ चुके हैं सहेलियों की बाड़ी और हेमंत जो है ना वो थका हुआ है काफ़ी। तो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं सिनेमैटिक शॉट।
सहेलियों की बाड़ी में अपनी सहेलियों के साथ एक दो तीन चार और पांचवा सहेला कहाँ है मेरा, ये है मेरा सहेला। बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत बड़ी जगह है तो मिनिमम इसका जो किराया है वो है 20 रुपये पर बंदे, तो आप आराम से यहाँ पे अपना किराया दे सकते हो और बहुत बड़ा है ये, तो आप आराम से यहाँ पे इंजॉयमेंट कर सकते हो। कपल्स, फैमिली, फ्रेंड्स सब के लिए ओपन है ये, तो जो जो यहाँ की विज़िट करना चाहें वो आराम से सहेलियों की बाड़ियों की विज़िट कर सकता है। सिनेमैटिक शॉट, सस्ता एक्टर और ये गाइड भी है, सस्ता फोटोग्राफर, एंगल देख सकते हैं आप फ़ोटो खींचने का, क्या एंगल है ऋषि भाई का। गाइस हम लोग सहेलियों की गाड़ी घूम चुके हैं, तो हमने किया है ऑटो, अब हम जा रहे हैं यहाँ से अपने होटल और वहाँ से हम अपना सामान लेंगे, तो बंदे काफ़ी थके हुए हैं, सब जाएंगे यहाँ से होटल सामान लेके और सीधा जाएंगे हम लोग रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन हमारी ट्रेन का टाइम है 6:30 बजे, जो कि हमें उदयपुर रेलवे स्टेशन से मिलेगी। हेमंत, दानिश हम लोगों को पीछे सीट मिली है और बाकी सब बंदे आगे बैठे हुए हैं, तो चलते हैं होटल और आगे का देखते हैं सिनेमैटिक शॉट। तो फाइनली गाइज हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन और हमारी ट्रेन लग चुकी है। उदयपुर में बहुत ज़्यादा मज़ा आया और बहुत सी मेमोरीज हमने बनाई यहाँ पे, तो हम लोगों ने सोचा कि एक दिन और स्टे करते हैं। हम लोग ज़्यादा नहीं घूमे, समथिंग 4-5 ऐसी जो बेहतरीन चीज़ें थी जहाँ हमें एक्सप्लोर करना था, घूमने था, लेकिन हम लोग वहाँ नहीं घूमे। तो फाइनली अब घर वापसी का समय है और 6:30 पे हमारी ट्रेन चलेगी और फिर हम सुबह तक 7 बजे तक दिल्ली पहुँच जाएंगे। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और जब वीडियो आ जाएगी तो वीडियो को लाइक कमेंट, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बिलाल भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, स्टार्टिंग हुई है प्लीज़ तो सपोर्ट करें भाई। बिल्कुल, थैंक यू भाई, थैंक यू। तो ऋषि, हम लोगों को एक दिन और रुकना था लेकिन हम लोग नहीं रुक पाए, तो अब टाइम है जाने का, तो चलते हैं। मन तो नहीं कर रहा है पर अब जाना तो पड़ेगा, रिजर्वेशन जो पहले से हो रही है। बिल्कुल सही बात, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर प्लान बनाएंगे, आएगा भाई का दूसरा ब्लॉग। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल। दिल्ली आ गए और सब लोग अपने अपने घर पे चले गए, मैं भी अपने रूम पे जा ही रहा हूँ और बहुत ज़्यादा थका हुआ, तो सबसे पहले खाऊँगा उसके बाद लेटूँगा और आराम करूँगा। सो जब ब्लॉग आए तो गाइस प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कमेंट और हर जगह शेयर कर देना, और जो मेरे चैनल पर नए तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप सबसे एक नए ब्लॉग में, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।